अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को अकीन रमनी का सलाम। दोस्तों अगर हिकमत आसान होती ना तो सबको ही करता। अगर जो सन्यासी हिकमत है, देसी हिकमत है, तो जो समझो तो वो करना बड़ा मुश्किल का काम है। तो आप समझ रहे हैं, तपती धूप में हम आए हैं 25 किलोमीटर करके यहाँ पे एलोवेरिया के लिए, और यहाँ पे एलोवेरिया बहुत ज़्यादा है और इस एलोवेरिया की बहुत सारी खासियत है, और हमने ये बाल्टी जो है ना वो इससे भरी है। अच्छा, ये हम 25 किलोमीटर फिर दूर लेके जाएंगे और तो इसका जो शरबत बनाएंगे, और इसके शरबत से थैलेसीमिया और फिलफेमिया जैसे मर्जों का इलाज होता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी सी और मैदे के तमाम अमराज में इसका शरबत जो है ना वो काम करता है। तो जिन दोस्तों को इनमें से कोई भी शिकायत है और हाथ पाँव की जलन है, तो ये हमसे शरबत बनवाएं, और शरबत हम बनाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त शरबत है इसका और रिज़ल्ट बेहतरीन है, यानी एक बोतल से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो यो समझो तो हिकमत की जो देसी हिकमत करना है, जो प्योर हिकमत करना है, वो बड़ा मुश्किल है, और बड़ा मुश्किल नहीं, बड़ा पेचीदा काम है, और आपको वक्त भी देना पड़ता है, पसीना भी बहाना पड़ता है, आग पे भी बैठना पड़ता है, धूप में चलना पड़ता है। यानी तिब जो है ना वो किसी एसी में बैठने का नाम नहीं है, और ना ही किसी साय में बैठ के तिब की जा सकती है। तिब करने के लिए आपको जो सन्यासी तिब है, जो देसी तिब है, जो जड़ी बूटियों के पीछे जाना है, वो सच पूछो तो बड़ा मुश्किल है, और मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तो अब मैं इन झाड़ियों के पीछे, एलोवेरिया के पीछे 25 किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पे आया हूँ, और ये जो एलोवेरिया है, यहाँ पे बहुत सारा एलोवेरिया है, तो यहाँ से मैं निकाल के जाऊँगा, फिर इससे ना तकरीबन अच्छी खासी बोतलें बनाऊँगा, फिर इसको जो है मरीजों को दूँगा। तो इसका रिज़ल्ट भी 100% होता है, और जो दोस्त कहते हैं ना कि हकीम लोग जो हैं वो बस साए में काम करते हैं, हकीम सच कुछ जो टिप से का वाबस्ता असल जो चीज़ है वो साए में बैठ के काम नहीं करते, उनके लिए बहुत सारी मुश्किल होती है, माशी मुश्किल हैं, काम की मुश्किल हैं, वक्त की मुश्किल हैं, और ख़ुद को भी जाना पड़ता है बाज़ औक़ात, आपको पता है आजकल के ज़माने में। तो ये थोड़ी सी डिटेल आपको देनी थी, इसी के साथ आपसे आपका हकीम निज़ामानी, अल्लाह हाफ़िज़।